समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। झांसी जनपद के ग्राम अर्जार के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ग्राम में बिक रही अवैध कच्ची शराब व मादक पदार्थ के विरुद्ध हुंकार भरते हुए अवैध कारोबार को बंद कराने की जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में ग्राम अर्जार में रहने वाले कई परिवारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उनके ग्राम अर्जार में अवैध रूप से कच्ची शराब और मादक पदार्थ बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राम में कुछ दिन पहले कई मौतें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी संबंधित थाने की पुलिस और आबकारी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उनके घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। योगी जी अवैध कारोबार पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा देते हैं? ग्रामवासियों का कहना है कि जल्द ही इस अवैध कारोबार को बंद नहीं कराया गया तो वह जिलाधिकारी कार्यालय में ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यदि ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान नहीं होगा तो वे कांग्रेस के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय में ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठेंगे। मामला है, क्यों कलेक्ट्रेट में सब आए? पूरे जिले के अंदर नशे का खुलेआम व्यापार हो रहा है, दुकानों पे नशे की गोलियां बिक रही, और मोनी बाबा जो पूरे बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़े संत थे, उनके आश्रम के पास जो ग्राम है अर्जार, उस अर्जार में खुलेआम कच्ची शराब बिकी। उससे पिछले दो महीने में कम 20 आदमियों की मृत्यु हुई, कई लोगों ने शराब पी के फांसी लगाई, और आज गांव का एक एक व्यक्ति, हमारे गांव के प्रधान भी, हमारे रवि भाई और पूरे सारी मातृशक्ति इसलिए आई कि वो गांव नहीं, अगर कच्ची दारू बिकना बंद नहीं हुई और उस दारू बिकने के पीछे पुलिस का संरक्षण है, अगर ये दारू बिकना बंद नहीं हुई तो पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उनके दलाल घूमते हैं, ज़बरदस्ती उनको पकड़ते हैं, उनको अपने धंधे में अटकाते हैं, उनको शराब पिलाते हैं, तो वो कच्ची दारू बिकना बंद होना चाहिए तत्काल। ये अकेले अर्जार की समस्या नहीं है, ये आसपास की हर जगह की है। चूंकि अर्जार के लोगों ने 20 लोगों को खोया है दो महीने में, और हर बार इन्होंने वहाँ थानेदार से कहा, हर बार इन्होंने वहाँ अधिकारियों से कहा, लेकिन वहाँ कोई भी उस पर रोक नहीं लग रही, और ये स्थिति पूरे जिले के अंदर है। हम देखते हैं नशे की हर जगह, आप चले जाएँ, अगर शिवाजी नगर की तरफ चले जाएँ, आप सीपरी की तरफ चले जाएँ, फिल्टर रोड पे चले जाएं, पाल कोल, हर जगह नशे की गोलियां बिकती हैं, कच्ची शराब बिकती है और जहरीली शराब। तो आज हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर रणनीति तय करे और ताबड़तोड़ ढंग से, सबसे पहले मोनी महाराज जो बुंदेलखंड के सबसे बड़े संत थे, जिनका आश्रम अर्जार में है, वहाँ पर जो खुलेआम बिक रही है कच्ची शराब, उसको बंद कराएं, और जो लोग मरे हैं उनको सरकार मुआवजा दे। टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।